जिसको हम स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं ये बहुत अहम है बिकॉज अगर स्ट्रैटिक प्लान नहीं होगा तो फिर आप आ, आ, कोई स्ट्रैटी नहीं बना सकेंगे और आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी डायरेक्शन नहीं होगी तो आप डायरेक्शन लेस जो एक शिप है उस पर बैठे हुए हैं तो आपको अपनी जो मंजिल है उसका है नहीं मालूम तो इसलिए जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है ये uh, बड़ा ज़रूरी है इट इज़ इट इज़ क्रूशल टू बिल्ड ए सक्सेसफुल बिजनेस कारोबार में कामयाबी के लिए ये बड़ा अहम है इट इन्वॉल्व डिवेलपिंग ए गेम प्लान टू गाइड ए कंपनी एज इट स्ट्राइव्स टू अकम्पलिश इट्स मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इट ऑन इट्स डिज़ायर्ड कोर्स ये स्ट्रैटिक मैनेजमेंट प्रोसेस ही है जिसके ज़रिए कंपनी uh, जो है अपना एनविजन करती है और अपने विजन के तहत जो उसका मिशन है फिर गोल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अचीव दो गोल्स उनको हासिल करती है और अपने एक मुकर करदा रास्ते पे चलती है स्ट्रेटिक मैनेजमेंट प्रोसेस को में के ज़रिए चलने के लिए जो इम्पोर्टेंट की इंडिकेटर्स हैं उसमें जो एक अहम uh, चीज है वो है कोर कॉम्पिटेंसिस टू अंडरस्टैंड योर कोर कॉम्पिटेंस कोर कॉम्पिटेंसिस क्या हैं कोर कॉम्पटेंस बेसिकली वो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है जो के कंपनी को हासिल है जो के बिज़नेस को हासिल है जो कि उस एंटरप्रेन्योर के पास मौजूद है जिसके जिस जो वो जिसके ज़रिए वो अब जो बाकी कॉम्पिटेटर्स हैं उनसे अपने आप को मुख्तल करके देख सकता है और उनसे मुख्तलिफ अशिया और ख़दम्त जो है वो फ़राहम कर सकता है तो दिस इज़ यूनिक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ ए कंपनी डेवलप्स इन की एरियाज़ सच एज़ सुपीरियर क्वालिटी के वो बेहतर प्रोडक्ट दे जो बाज़ार में अवेलेबल हैं चीज़ें उनसे बेहतर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में दे सकता है कस्टमर को बेहतर खदम दे सकता है ये खदम वो खदम भी हो सकती हैं जो कि आप बेच रहे हैं मे बी इफ़ यू आर इन टू द सर्विस बिजनेस या वो खिदमत भी हो सकती हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है यानी आफ्टर सेल सर्विस देन इनोवेशन एक कॉन्टिनस इनोवेशन अपनी जो मार्केट की जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको मुसलसल इम्प्रूव करना उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना उसको डेवलप करना उसको अपडेट करना या मुसलसल नई अशिया नई प्रोडक्ट्स जो है उसको मार्केट में लॉन्च करना देन टीम बिल्डिंग जो कि एक बहुत अहम फैक्टर है बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज एज इम्पॉर्टेंट एन एसेट एज एनी अदर एसेट कैन बी तो इस ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से इस्तेमाल करना कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो क्लियर गोल्स हैं जो क्लियर स्ट्रेटजी uh, है उसके ऊपर अमल किया जाए ताकि Uh, जो गोल्स हैं उसको मुकर्र वक्त में हासिल किया जा सके तो दैट नीड्स टीम बिल्डिंग लीडिंग दैम इन ए वे कि सब एम्प्लॉयज़ या सब लोग जो कि इस टीम में शामिल हैं वो ओन करें बिजनेस को भी और वो ओन uh, करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को भी देन फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड बना प्रोग्राम बनाया है एक स्ट्रेटजी बनाई है उस स्ट्रेटी के के दौरान आपको अगर किसी उसमें कोई तब्दीली लानी पड़ जाए तो आप बिल्कुल आ, आ, फिक्स ना हो, बल्कि अगर आप समझें कि कोई इन्वामेंट चेंज हो गया है कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है कोई कॉम्पिटिटर नया आ गया है देर इज़ क्विट पॉसिबिलिटी टू बी फ्लैक्सिबल

जैसे uh, कि आपका जो समाइम्स नाराज़ कस्टमर है वही आपका सबसे बड़ा टीचर है तो आप उससे जो सीखते हैं uh, और उससे आप अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं तो दैट्स वॉट द रिस्पांसिवनेस मीन्स कि अगर कोई कंप्लेन uh, है अगर कोई नया कंपटीशन है अगर कोई नया चैलेंज है तो उसको कैसे uh, उसके ऊपर रिएक्ट करना है और उसको कैसे रिस्पोंड करना है